ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी से निवेदन है। ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। तीन बार बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। होली के रंग में रंगने वाले सभी भाई बहने जो श्याम के रंग में भी रंगे हैं, मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ। श्याम अब सुंदर बनकर इस धरा पर आने वाले हैं। क्या सुना सभी ने? स्वयं श्याम अब सुंदर बनकर इस धरा पर आने वाले हैं। रहस्य है इस लाइन में, लेकिन वो अकेले नहीं आएंगे। मैं आपको कुछ रहस्य बता दूं और जीवन उपयोगी कुछ बातें कह दूं आपको, जो जीवन भर काम आए। आप यहां आए हैं, कृष्णमय वातावरण है, होली में भी वातावरण है। ये जो हमारा भारत देश है, ये संसार की सबसे महान भूमि है। क्यों है महान? ये देवी देवताओं का जन्म स्थान है। श्री कृष्ण जो सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण माने जाते हैं, उनकी जन्मभूमि है। मुझे विचार आ रहा था जब गीता बहन सुना रही, श्री कृष्ण का क्षमा भाव। क्या कभी किसी ने कहीं भी किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को क्रोध करते देखा था? कुछ भी हो गया, क्रोध नहीं धैर्यवान। तो श्री देवताओं की जन्मभूमि, भगवान की जन्मभूमि, ये हमारी भारत की महान भूमि है। ये तो पीछे जब से अंग्रेज आए तब से यहां गिरावट हुई। भारत संसार का सबसे धनवान देश था शाहजहां के काल तक, जब शिवाजी महाराज थे। 100 साल पहले तक भारत की ओर ही संसार प्यासी नजरों से देखता था। ऐसी देवभूमि पर हम सब विराजमान हैं। वो दैवी भूमि फिर से आएगी, वो स्वर्णिम युग फिर से आने वाला है। आप सभी अपने को स्वर्णिम बनाने का प्रयास करेंगे। हम स्वर्णिम होंगे, सोने के समान चमकते होंगे, तो ये धरा भी चमकने लगेगी। बहन जी ने आपको एक सुंदर बात लास्ट में कही थी, इंग्लिश का शब्द था, कईयों की समझ में ना आया हो, मैं जरा क्लियर कर देता हूं, मुझे बहुत प्रिय लगी। धन का रेस्पेक्ट करोगे तो लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी। इसका अर्थ है जो भी धन आपके पास है, 10 रुपए की बात इन्होंने की, उसका सम्मान करो तो लक्ष्मी आकर्षित होगी। हम निगेटिव बहुत सोचते हैं, हमें निगेटिव नहीं सोचना है। आज आप इस सभा में आए हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि उन्नाव के भाई बहनों में इतना उमंग के बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, हमें शांति से भी सुन रहे हैं। मैं जाकर उन्नाव निवासियों की अवश्य प्रशंसा करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा भी एक महान जिला है जिसके लोग ऐसे शांति प्रिय हैं। क्योंकि हमारा जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर तो बदनाम है ना, आपने सुना होगा, आपके थोड़ा ही दूर है। तो होना है कोरोना की बात बहन जी ने की, मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं। और जैसे मैंने कहा, आज की सभा से, आज के इस समय से
सभी भाई बहने कुछ सीख कर जाएंगे, मनोरंजन करके नहीं, केवल भजन सुनकर नहीं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाकर। बोलो तैयार हो? हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। कौन कौन मानते हैं? बहुत अच्छा। अब देखो, मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं और आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाना चाहता हूं। शेर का बच्चा क्या होगा? भगवान सर्वशक्तिवान है, सबसे अधिक शक्तिशाली, तो उसके बच्चे कमजोर होंगे क्या? हम सब भी बहुत शक्तिशाली हैं, आज इस बात को अच्छी तरह समझ लो। मैं जब छोटा था, छोटा माना 15-20 साल के बीच में, तो कुत्तों पर एक प्रयोग करता था। आप सोचेंगे कुत्तों पर क्या प्रयोग? मुझे किसी ने बता दिया था 11वीं क्लास में पढ़ते हुए ही कि मनुष्य के मन में अनंत शक्तियां हैं, उन्हें जगाओ, वो सोई रहती हैं। तो मैं कुत्तों पे क्या प्रयोग करता था? नॉर्मली कुत्ते जब भागते हैं, भौंकते हैं, तो मनुष्य डर के भागने लगता है और कुत्ते पीछा करते हैं। मैंने सोचा कुत्ते जब भौंके हैं, मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। एक दो कुत्ते ने भौंका, मैं खड़ा हो गया, थोड़ी देर कुत्ते ने भौं भौं किया, फिर भाग गया। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, आपको अपनी शक्तियों का आभास हो जाएगा। दिल्ली से दो भाई हमारे यहाँ माउंट आबू आने के लिए स्टेशन आ रहे थे अपने घर से पैदल। एक था थोड़ा लंगड़ा, अब जो अच्छा था वो तेज चल रहा था, कह रहा था भाई जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगी। वो कहता था क्या करूं, मेरा पैर ऐसा है, तुम चलो, अगर ट्रेन चलने लगे चेन चेन खींच देना, मैं भाग के आ जाऊंगा। अब वो आगे चलने लगा, 2-3 मिनट के बाद ही क्या हुआ, कुत्तों ने इस लंगड़े आदमी को भौंकना शुरू कर दिया और लंगड़ा इतना तेज भागा कि उस अच्छे से पहले स्टेशन पहुंच गया। तो शक्ति उसके अंदर थी, उसने ये मान लिया था मेरा एक पैर खराब है इसलिए मैं तेज नहीं चल सकता। ये संकल्प छोड़ दो, आज हम बहुत पावरफुल हैं। देखो कोरोना में आप सब सुनते होंगे, लोग डॉक्टर भी कहते थे कोरोना से ज्यादा लोग नहीं मरे, डर से मरे हैं। आपको आज यहां आकर अपने अंदर के डर को निकाल देना है। डरना तो उन्हें चाहिए जो पापी हैं। आप थोड़ा ही पापी हैं, आप तो पुण्य आत्माएं हैं। वाले सभी पुण्य आत्माएं हैं, आपको डरने की बात नहीं। मोटी समस्याएं आए, घबराओ नहीं, टेंशन में ना जाओ, परेशान ना हो जाओ, अपनी शक्तियों को पहचानो। मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। आप देखेंगे समस्याएं भाग जाएंगी। मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं, मैं भगवान की संतान, बोलो फिर से बोलो, मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं। भर लो अपने अंदर, मैं तो सहन नहीं कर सकती, मुझे तो सुना नहीं जाता, ये तो बहुत बोलती है, ये सब नहीं। हम बहुत शक्तिशाली हैं, इससे सोई हुई शक्तियां जगती जाएंगी। आगे आने वाला समय खतरनाक हो सकता है,
देखो आप सब देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध, रोज नई नई बातें आती रहती हैं कि रशिया ने एटम बम तैनात कर दिए हैं, बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर, जब चाहे छोड़ेगा। लोग घबराते हैं कि अगर एक एटम बम छोड़ दिया लाख लोग मर जाएंगे, करोड़ मर जाएंगे, संसार में हाहाकार हो जाएगा। बड़ी बुरी से बुरी चीज भी आ सकती हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है हम इन परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना ही नहीं चाहता, सिखाना चाह रहा हूं, और आज आप इस दूसरी बात को भी सीख कर जाना, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। सभी बुद्धिमान भाई बहनें बैठे हैं, जब हम सवेरे उठते हैं 6 बजे तक, सूर्योदय से पहले, एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ होती है। हमारे अंतर मन में उस समय बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो जगा रहता है। उठते ही हमें कुछ सुंदर विचार अपने मन को देने हैं। आजकल लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चे खास, जो भी यहां बच्चे बैठे हैं, युवक बैठे हैं, वो ध्यान दें, अगर आंख खुलते ही आप फोन पे लग जाते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां लड़के आते हैं, कल ही एक मिली, यहां आ रहे थे तो हमें मिली, मैं IAS का कंपटीशन दे रही हूं जिसे कलेक्टर बनते हैं, पर मुझे निगेटिव विचार बहुत आते हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा निगेटिव विचार और IAS दोनों विपरीत हो गए, या तो निगेटिव विचारों को छोड़ो या IAS को छोड़ो। कहने लगी नहीं, मुझे IAS तो बनना है। मैंने उसे पूछा क्यों आते हैं निगेटिव विचार, और जब उससे बातचीत की तो पता चला कि सोते समय और उठते ही व्हाट्सएप ही खोलती है। जो बच्चे बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, ध्यान दें, अपने बच्चों को समझा कर रखें, कम से कम उठते ही पहले 10-15 मिनट और सोने से आधा घंटा पहले फोन को अलग रख दो। मैं तो कहूंगा अगर भाई बहने जो ग्रस्त में रहते हैं, रात को 9:30 के बाद सबके फोन लेके अलग रख दें, उस कमरे में भी न रखें जिसमें सोते हैं, तो सब बहुत स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली रहेंगे। आप सोच लेना, ये काम अगर आप कर दो तो आपके परिवार का बहुत कल्याण होगा। देखो भारत में एक परंपरा थी, लोग उठते ही मंदिरों में चले जाते थे, घरों में मंदिर रखते थे, ताकि उठते ही मन के विचार शुद्ध हों। आज लोग उठते अखबार पढ़ते हैं, अखबार में सवेरे यूक्रेन का समाचार सुनेंगे, तबाही का, तो मन में अशांति जाएगी। तो मैं आपको 2-3 विचार दे रहा हूं। जब आप सवेरे आंख खोले, माताएं, भाई, कन्याएं, बच्चे, सब पहला संकल्प करना, मैं भगवान की संतान, साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सुनो ध्यान से, मैं रिपीट कराऊंगा, मैं भगवान की संतान हूं, बोलो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप इस विचार का जादू देखना जीवन में, मैं तो हजारों बार किया है और कराया है लोगों से। एक सुंदर रहस्य आपके सामने रख देता हूं, पढ़े लिखे सब बैठे हैं, आराम से समझ लेंगे। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं, पढ़े लिखे सब जानते हैं। ये तरंगे प्रकृति से प्रतिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है, और वही चीज लौट कर हमारे पास आ जाती है। छोटा सा सिद्धांत है, कोई व्यक्ति बार बार गरीब हो,
मैं तो बहुत गरीब हूं, तो समझ लो वो गरीबी का आह्वान कर रहा है। जो गीता बहन ने आपको कहा, जो भी भगवान ने आपको दिया उसमें खुश हो जाओ, भगवान को शुक्रिया करो, देखो कैसे बढ़ता है वो सब चीज। मैंने कैंसर के पेशेंट पे, कोरोना के पेशेंट पे बहुत प्रयोग करा इस चीज के। लोगों को कैंसर होता है तो सोचते हैं अब तो मर गए, बस गए, अब तो खत्म हुआ हमारा खेल, अब तो मरना है मरना है। डॉक्टर भी कह देते हैं 3 मास जियोगे, 6 मास जियोगे। मैं उन्हें पक्का कराता हूं, नहीं, डॉक्टर को भी कह दो मुझे जीना है 20 साल, अपने को भी समझा दो मुझे जीना है 20 साल, और लोग जीते रहे। प्रैक्टिकल बातें सत्य अनुभव है, इसलिए वो नहीं सोचना जो नहीं चाहते। एक छोटा सा उदाहरण देके क्लियर कर देता हूं। मेरे पास एक बहन आई, माता 50 साल की उदास थी, हमारे वहां के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने उससे पूछा, यहां तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, तू उदास क्यों हो? कहा, हम 5 बहनें हैं, 3 को कैंसर हो चुका है, 2 की मृत्यु हो गई है, मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे ना हो जाए, और रोने लगी। मैंने कहा, तुम कैंसर का आह्वान कर रही हो, तुम क्यों नहीं सोचती सारी दुनिया को हो जाए, मुझे नहीं होगा। तब उसमें बल आया, और मैं आपको सच बताऊं, उसको कैंसर हुआ ही नहीं। वो रोज आह्वान करती थी, 3 बहनों को हो गया, मेरा नंबर है। कितना गलत सोचता है मनुष्य। अच्छे सोच को अपना जीवन बनाओ, तो सवेरे उठते ही सुंदर विचार मन में करने हैं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। आनंद देखना जीवन में। परमाताओं को एक बात कह देना चाहता हूं, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे सुन लो सभी विद्यार्थी, जब आप उठो माताएं ध्यान दें, बच्चों को याद नहीं रहेगा, बड़े ध्यान दें, उनसे बुलवाना, मैं बुद्धिमान हूं, मैं चरित्रवान हूं, वो वैसे ही बन जाएंगे। माता अगर बच्चों को कहती रहेगी वो पढ़ता ठीक नहीं, तो बुद्धू है, पढ़ेगा ही नहीं, तुझे अकल ही नहीं है, तो बच्चे वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों का कोमल अंतर मन सब कुछ ग्रहण करता है। इसलिए माताओं को विशेष रूप से अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उमंग उत्साह देना चाहिए। कह देता हूं, देखो होली हम मना रहे हैं आज फिर से, 2-3 दिन से चलती आ रही है। होली के 2 अर्थ बता देता हूं आपको। एक होली इंग्लिश शब्द है, होली का अर्थ है पावन, पवित्र बनना, विचारों को शुद्ध करना, और दूसरा होली का सीधा हिंदी अर्थ होली माना होली बीत गई, जो बीत गया उसे भुला दो। कई लोग बीती हुई बातों को पकड़ के रखते हैं, बीती हुई बातें पकड़ के रख कर अपने वर्तमान जीवन को सुख में नहीं बनने देते। देखो हिंदी में आप सब जानते हैं, हिंदी वाले बैठे हैं, जो कोई बीती बातें को बहुत याद करता है, बोलता है, उसे लोग क्या करते हैं, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? अगर गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ेंगे तो सुगंध आएगी क्या, कितनी बदबू फैलेगी। हम बीती बातों को याद करके दुखी होते रहें तो जीवन सुगंधित होगा? इसलिए जो कुछ आज तक हो गया, आज होली जला दो, भले 2-3 दिन पहले जल गई है, आज फिर जला दो। जो कुछ हो गया, खत्म हुआ, उसको न याद करना है न उसका चिंतन करना है, तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो सभी को अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, घर घर में आप सभी बीते हुए को विराम लगाओगे? बोल जाओ,
नहीं तो संबंधों को कड़वा कर रहे हैं। मैं आपको थोड़े में कह दूं, अब समय थोड़ा तो आएंगे क्लासेस में, उनको ज्यादा माल मिलेगा। भारत के कोर्ट में तलाक के करोड़ों केस पहुंच गए हैं। लड़के लड़कियों की शादी होती है, चलती नहीं है, 6 मास में, 1 साल में अलग हो जाते हैं, अशांति होती है, परिवार टूटते हैं, तनाव बढ़ता है। अपने को झुकाकर चलना सीखो। जो भी माताएं और लड़कियां बैठी हैं वो ध्यान दें, जो झुकाकर चलेगा उसके परिवार में ही प्यार बढ़ेगा, और जो अभिमान से चलेगा, अभिमान होता है ना इंग्लिश में ईगो कहते हैं, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी, तू पढ़ा लिखा है तो क्या है, मैं भी बहुत कमाती हूं, तुमसे ज्यादा कमाती हूं, क्या है इसमें, अभिमान के जो बोल बोले जाते हैं उससे ही तलाक हो रहे हैं। इसलिए अपने से एक प्रश्न पूछेंगे सभी भाई बहने यहां बैठकर, आप बड़े हैं, आपकी शादी लोगे, आज एक प्रश्न पूछ लो, मेरे नाते रिश्ते बड़े हैं या मेरा क्रोध और अभिमान बड़ा है? बोलो क्या बड़ा है। इसलिए रिश्तों में प्यार घोलने के लिए अपने अभिमान को झुका दो। मातृशक्ति में झुकने का संस्कार होता है। मेरे पास बहुत केस आते हैं, मैं इस तरह कहूंगा आपको, पति पत्नी आते हैं बहुत पढ़े लिखे, बैठते ही मुझे कहते हैं भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं। देखो एक ही मिनट का समाधान था, मैं कहीं जा रहा था, मैंने उनसे पूछा ये बताओ तुम दोनों में बुद्धिमान कौन है? अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे, दोनों ही प्रोफेसर थे। मैंने कहा मैं समझ गया दोनों ही बुद्धिमान हो, अब ये बताओ समझदार कौन है? बुद्धिमान और समझदार अलग अलग हैं। गांव की बिना पढ़ी लिखी माता भी बहुत समझदार हो सकती है, और कोई पीएचडी किया हुआ डिग्री होल्डर भी बुद्धू हो सकता है, मैं देखता हूं ऐसा। तो उस बहन ने, माता ने फट से कहा समझदार तो मैं हूं। मैंने बहुत खुशी में ताली बजाई कि जो समझदार चाहिए आज से झुक के चलना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। मान लिया उसने, लड़ाई खत्म हो गई। अब एक छोटी सी कहानी 2 मिनट में सुना के समाप्त कर देता हूं। रामपाल मुझे देख रहा है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माताओं के लिए खास कहानी है, मातृशक्ति की संख्या बहुत बैठी है, हमें अपने को बदलना पड़ता है। हम दूसरे को बदलना चाहते हैं ना, यही गड़बड़ होती है। अपने को बदल दो, दूसरे आप ही बदल जाएंगे। एक लड़की की शादी हुई, बहू बन के घर में गई, 2-4 दिन में देख लिया सास तो बहुत तेज है, इसके साथ जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 मास हो गए थे, तंग हो गई, अपने घर गई, अंकिल तांत्रिक थे, कहा अंकिल जहर की पुड़िया दे दो। क्या करोगी सास को? अंकिल ने कहा तुम भी मरोगी, वो भी मरोगी, जेल में रहोगी सारा जीवन, मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूं, धीमा जहर, तुम चुटकी भर रोज डालना, 6 मास में सास मर जाएगी, तुम पे शक नहीं होगा, तुम भी छूट जाओगी, पर शर्त एक है, चुटकी जहर को जो उसकी महिमा करनी पड़ेगी। उन्हें कहा वाह मैं खूब महिमा करूंगी, सास मरनी चाहिए बस। चली गई चुटकी रोज डालने लगी, अभी लोग आते थे बहू आई है घर होके, अभी बहू रानी सास की महिमा करने लगी, मेरी सास तो माँ से भी ज्यादा प्यार देती है, मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ, ऐसी सास माँ तो सबको मिले, वाह मेरा जीवन तो धन्य हो गया। अब 2-3 दिन सास ने देखा बहू तो बदल आई, उसने भी महिमा शुरू कर दी, ये बहू तो देवी आ गई हमारे घर में,
जब से ये आई हमारा घर तो स्वर्ग बन गया, सारा काम कर लेती है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अब 3 मास हो गए, दोनों एक दूसरे की महिमा गा रहे हैं। बहू ने सोचा सास तो बड़ी अच्छी हो गई, अब इसे मारना तो पाप हो जाएगा। पहुंची फिर अंकिल के पास कि 3 मास जहर खिला दिया, उसको उतारने की विधि बताओ, मैं उसे मारना नहीं चाहती, मेरी सास तो देवी है। अब आगे सुनो, ताली आगे बजाना। अंकिल ने कहा पगली, मैं तो तुम्हें राख दी थी, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो निकल गया, जाओ सुखी रहो। तो घरों में एक दूसरे की महिमा करो, नफरत नहीं, ग्लानी नहीं, तू ऐसी है तू ऐसा है ये नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा कहोगे सब अच्छा हो जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, श्री कृष्ण आपके घर में वास करे। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।